चलो कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम छवि नाम मुख विगत भई सब पीर। भगवान श्री राम के गोद में जटायु जी हैं। कल आप बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि जो मरीज अगर वो पेशेंट अगर हॉस्पिटल और वो भी भगवान की गोद में हो तो उसे क्या क्या हो सकता है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे भगवान श्री राम की गोदी में जब जटायु जी हैं तो उनको क्या हो सकता है। सारी पीड़ को हर लिया और भगवान रो रहे हैं कि ना रोए बन गबन में श्री पिता की उन वेदनाओं पर उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। भगवान श्री राम की आंखों में आंसू हैं, जटायु जी गोद में है। मैं आपसे निवेदन करूं, श्री राम चरितमानस के पात्र जटायु को देखो तो वो भगवान की गोद में है और जटायु जी हंस रहे हैं और भगवान श्री राम रो रहे हैं। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण के एक पात्र भीष्म पितामह को देखो तो भीष्म पितामह रो रहे हैं और कन्हैया हंस रहे हैं। भीष्म पितामह पाड़ों की सैया पर लेटे हैं, भगवान श्री बिहारी वृंदावन बिहारी लाल सामने खड़े हैं। बिहारी जी कहते हैं, पितामह मैं आपके पास आया हूं इन पांडवों को उपदेश दो। और उधर उधर बोले पूरा उल्टा है, भगवान श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। इधर बोले भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। किसी ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आप यहां हंस रहे हैं और उधर आप रो रहे हैं, ऐसा क्यों? आपका भक्त भीष्म पितामह भी तो आपका प्यारा भक्त है। 12 भागवतों में से एक नाम भीष्म पितामह का है तो भीष्म पितामह भी आपका प्यारा भक्त है, तो भीष्म पितामह के सामने आप हंस क्यों रहे हैं और जटायु जी के सामने आप रो क्यों रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि जो जटायु जिसमें बल ना होते हुए भी जो नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की त्याग करके अपने प्राणों की बलि भी न्योछावर कर दी, उस जटायु के लिए भगवान रो रहे हैं। लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी चिल्ला रही थी कि हे भीष्म पितामह मुझे आपका सहारा है, हे पितामह आप तो मेरी रक्षा कीजिए, दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा है, तो भीष्म पितामह ने अपने सिर को नीचा कर लिया था। भीष्म पितामह में बल होते हुए, भीष्म पितामह में शक्ति होते हुए भीष्म पितामह ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की, लेकिन जटायु में ताकत होते हुए भी नहीं, जटायु में न बल था न बल के होते हुए भी महारानी जानकी जी के लिए अपने प्राणों की बलि निछावर कर दी। क्योंकि इन माताओं की रक्षा के लिए, इन बहनों की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों तक की बलि निछावर कर दे, उसकी भगवान भी हमेशा रक्षा करते हैं, उसके लिए भगवान भी रुदन करते हैं। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है, जहां बेटियों का सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। आज के समय में अगर सुन ले कि भैया बेटी हुई है तो घर में ऐसा शोक छा जाता है, ऐसी उदासी छा जाती है कि मानो पता नहीं क्या हो गया, बोझ आ गया। अरे बेटियों को संस्कार दो, बेटियों को ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएं, बेटियों को अपने देश की महारानी लक्ष्मी बाई की गाथाओं को सुनाएं कि अरे बेटी तुमने हमारे भारत देश में जन्म लिया है और तुम में इतनी ताकत
बात है कि जब हमारी महारानी लक्ष्मी बाई, सारा देश जब गुलाम था और झांसी पर आक्रमण हो गया, तो महारानी लक्ष्मी बाई ने हिम्मत नहीं हारी। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी सोन की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। सारी दुनिया मान गया कि ये झांसी की रानी, जो शिशु पृष्ठ बांध पर बांध लिया, बलगाए साधी दांतों में, फिर होकर के घोटक सवार गह लिए निज हाथों में, और केवल यही प्रार्थना करती है कि मेरा सिर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, मैं जीऊं या फिर मर जाऊं, झांसी की भूमि बटने नहीं दूंगी, झांसी की भूमि बटने नहीं दूंगी। ये है हमारी भारतीय देश की नारी। इन नारियों को सत्संग में ले जाएं, इन बेटियों को सत्संग श्रवण करवाएं, इन बेटियों को अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएं, फिर देखिए, क्योंकि ये बेटी ही है जो अपने परिवार को समझती है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी है बेटियां। साहस के साथ बेटियों ने अंतरिक्ष भी भेद डाला और वायुयान भी उड़ाने लगी हैं बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी है बेटियां। वीर की शहादत को अर्थी को कांधा देकर आज शमशान तक भी जाने लगी हैं बेटियां, आज शमशान तक भी जाने लगी हैं। जो वीर जवान शहीद हो जाते हैं देश के लिए, जिनकी यहाँ बेटा नहीं है केवल बेटी है, तो बेटी भी वो सब कार्य करती है। लेकिन बेटियों को सुंदर शिक्षा दे, बेटियों को सुंदर सत्संग में ले जाए, बेटियों को स्वाभिमानी बनाए, बेटियों को अपनी देश की हर एक सुंदर नारी की शिक्षा दे, तो ये बेटियां आपके कुल का नाम रोशन करेंगी, क्योंकि इन बेटियों में वो ताकत है, इन बेटियों में वो ताकत है। इसीलिए इनको सुंदर शिक्षा दें, क्योंकि राम नहीं मिलते ईंटों बादानों में, राम मिलते हैं निर्धन की आंसू धारों में, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाओ को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव को, और राम मिलते हैं माताओं मर्यादा के जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं सीता माँ की पावनता को, राम मिले हैं मैया कौशल्या के भाव को, राम मिले हैं अनसुईया माँ के प्रेम को, और राम नहीं मिलते झूठे माला के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। अपने जीवन में मर्यादा लाएं। इनमें बहनों से कहना चाहती हूँ, सुंदर सत्संग करें तो हमारी और आपकी रक्षा के लिए इस सारा देश खड़ा है। भगवान श्री राम रो रहे हैं, कहते हैं तात अपने तन को रखिए, जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु के आंखों में आंसू हैं और गोद में जटायु जी हैं। भगवान की आंखों में आंसू है, भगवान रो रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा, बाबा यहां आप लिख रहे हो जल भरी नयन कहत रघुराई, तो क्या जल केवल नैनों में भरा है? क्या नैनों से जल गिर नहीं रहा है? क्या केवल नैनों में ही है? गोस्वामी जी कहते हैं, देखो अगर जब हम आपको एक चोट लग जाती है और जब रक्त बह रहा हो और उस चोट के स्थान पर अगर धोखे से भी अगर नमक गिर जाए तो पीड़ा बढ़ती है कि घटती है? आप सभी विद्वान यहां बैठे हैं, अगर चोट के स्थान पर धोखे से भी नमक गिर जाए तो पीड़ा दुगनी बढ़ जाती है। तो भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु आप
आगे जल नैनों में ही भरे हों कि जल नीचे भी गिर रहा है। भगवान ने कहा मेरी गोद में जटायु है और जटायु के पंख कटे हैं, जटायु के शरीर से रक्त बह रहा है और उसके रक्त के स्थान पर अगर मेरी आंख का आंसू गिर गया, क्योंकि आंख के आंसू में बुखारापन होता है, आंख के आंसू में सोडियम क्लोराइड NaCl भी होता है, अगर वो धोखे से वहां पर गिर गया तो मेरे जटायु की पीड़ा दुगनी बढ़ जाएगी, मेरी जटायु की पीड़ा दुगनी हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम अपनी आंख में आंसू कहते हैं कि हे तात, आपसे मैं बहुत कह रहा हूं कि तन को रखिए, लेकिन जटायु जी ने कहा कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमाउ मुकुत होई श्रुति गावा, तो मैं इस तन को रख करके क्या करूंगा। प्रभु भगवान श्री राम ने कहा ये आपके कर्मों का फल आज आप जो गति में आपको देने जा रहा। भगवान श्री राम ने कहा हे तात, आप जा तो रहे हैं लेकिन मेरा एक निवेदन है। जटायु जी ने कहा कौन सा निवेदन? भगवान श्री राम ने कहा प्रभु आप जाओगे तो आपको मेरे पिताजी मिले और पिताजी जब पूछें तो सीता के हरण की बात मत कहना। सीता हरण तात सन कहूं पिता सन जाए, जो मैं राम ता कुल सहित कहा ही दसानन आए, जो मैं राम हूं तो कुल के सहित इस बात को रावण ही बताएगा, आप मत कहना। भगवान की बात को सुनकर के सुंदर रूप धारण करते हुए जब गीधराज जाने लगे तो कहने लगे प्रभु मैं जा तो रहा हूं लेकिन मुझे आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति के बिना कैसे रहूं, मैं आपका नाम रटता रहूं। अविरल भगति मांग वर गीत गयो हरि धाम। तो ये जो सुंदर गति मिली है जटायु जी को, एक कैसे मिली है? वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक गति जो मिली है जटायु जी को, ये सबको मिल सकती है, सबको मिल सकती है, केवल एक बात हम और आप में होनी चाहिए। कौन सी बात? वो स्वामी जी महाराज कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी, पर पीड़ा परहित सरस महाराज कहे अंगद विचार मन माही, और धन्य जटायु सबको नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। तो ये बड़ भागी है और हम सभी भी जे सुन सादर नर बड़ भागी, भव तरिहि ममता मद त्यागी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ यहाँ इस आश्रम में आकर के पिछले वर्ष भी आप सभी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला था और इस वर्ष भी सभी संत महापुरुष और इस यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करने, स्वामी जी सभी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद आया। हमारे भैया जो तिवारी जी हैं इनका बड़ा प्रेम स्नेह है, भाभी जी सभी, आप सभी से मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं पुष्पांजलि को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करती हुई आप सभी को बारंबार संत समाज को, क्योंकि संत समाज से केवल मैं एक ही वस्तु मांगती हूँ कि हे प्रभु आप सभी भगवान के प्रेमी हैं, संत सरल चित्त।
दाग चली गए। काल फूंक डालो ससन में। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। देखिए बड़े दूर दूर से आए हैं भगवान की कथा प्रेमी, करियारी से आए हुए हैं, अगल बगल जितने भी गांव हैं सभी से आए प्यारे श्रोता समाज। तो मैं आप सभी संत महापुरुषों से यही कहना चाहती हूँ कि संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद कृपा करे कि प्रभु के चरणों में प्रेम बना रहे, प्रभु के चरणों में प्रेम हो। और बड़े ही सुंदर कथा आप पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से भी अभी श्रवण करेंगे, जो प्रयागराज की पावन भूमि से आए हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आइए वाणी को विराम करने से पूर्व दो बार भगवान का पावन नाम, और चलते हैं कहाँ, बोले तन से रहे यही और मन से चले अयोध्या धाम। इसीलिए बड़े प्रेम से गाते हुए कि सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज, की मांग है 10-15 मिनट थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं आप। सच्चिदानंद, हाँ
श्री संत महापुरुषों की तरफ से बिटिया रत्नेश्वरी जी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। इसी तरह से कथा सदा कहती रहे, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। आगे बढ़ें और जो है 15 मिनट और आगे बढ़ें। सतगुरु भगवान की, हाँ हाल अभी संतों का आशीर्वाद हाल मिल गया, आगे बढ़ें। ओम बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। देखो जिस प्रकार जब नदी में एक नाव चल रही हो तो उस नाव को चलाने वाले जिस तरह केवट भैया होते हैं, इसी तरह ये जो श्री रामचरितमानस सम्मेलन है, वेदांत सम्मेलन है, इस नाव के केवट भी संचालक जी महाराज चिदानंद जी महाराज हैं। अब चाहे ये रोक दें और चाहे चलाते रहें, इनके हाथ में है। अब पहले तो कह दिया था कि एक तो उस हिसाब से चले, अब बोले फिर चलो, तो इसलिए चलो। जैसी भगवान की इच्छा, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो कहाँ थे सीता राम जी की प्यारी, रज धानी लागे, रज धानी लागे, माहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी, रज धानी लागे, रज धानी लागे, माहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। माहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी संत समाज। बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत सरल चित जगत हित। किसी ने पूछा बाबा एक दोहा तो आपने लिख दिया कि संत सरल चित जगत हित, लेकिन एक बात बताओ इस सरल होता क्या है। मैंने तो कई ऐसे संतों को भी देखा कि देखने में तो सरल, लेकिन ऐसा क्रोध आ जाए। महाराज दुर्वासा ऋषि को देख लो, डरते थे लोग कहीं श्राप ना दे दे। महाराज शकुनी के पास आए, दुर्योधन जी के पास आए, तो भोजन कर रहे थे, तो शकुनी जी ने सोचा, मामा ने, कि अगर ये चले जाएं पांडवों के यहाँ तो क्या होगा, क्योंकि अकेले जाते नहीं थे दुर्वासा जी, इनके साथ 60,000 शिष्य साथ में जाते थे। तो अब दुर्योधन के यहाँ तो खूब भोजन प्रसादी है, तो खूब प्रेम से पा रहे, लेकिन अगर ये दुर्योधन की यहाँ तो ठीक है आ गए, अगर युधिष्ठिर की यहाँ चले जाएं, उनका चल रहा है अज्ञातवास, भोजन नहीं मिलेगा, तो अभी इनको श्राप मिल जाएगा, और जो भूमिका बन रही है युद्ध की तो सब अभी हो जाएगा जब श्राप मिलेगा। जैसे ही महाराज दुर्वासा ऋषि से किस प्रकार कहा, बोले बाबा जिस प्रकार आपने दुर्योधन जी के ऊपर कृपा की, तो हमारी इच्छा है ऐसी कृपा पांडवों पर भी हो जाए, क्योंकि आप बड़े अच्छे महात्मा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा आपकी इच्छा है तो हो जाएगी कृपा। पहुंच गए महाराज दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ। अब जैसे ही पहुंचे तो उन सभी पांडवों ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर ली थी, मैया द्रौपदी का भी प्रसाद हो गया था। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि को आते देखा तो सब कांप गए। अर्जुन ने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। आहा अर्जुन, तुम्हारा तो बहुत अच्छा कहना ही क्या, लेकिन ऐसे प्रणाम से काम नहीं चलेगा, भोजन करा रहे हो कि नहीं। जैसे भोजन की बात सुनी, अंदर बैठी द्रौपदी मैया और पहले डर गई कि घर में तो कुछ नहीं है, अब क्या खिलाने महाराज को, और नहीं खिलाएं तो श्राप दे देंगे। जैसे ही रोने लग गई, अब हमारे ठाकुर जी समझ गए। ठाकुर जी आए दौड़ते दौड़ते, अरे बहना मुझे भूख लगी है,
द्रौपदी मैया ने कहा आ गए नमक छिड़कने जले पर। बोले कैसा? बोले एक तो घर में कुछ नहीं है, ऊपर से एक टेंशन है कि महात्मा जी आ गए, उनके साथ 60,000 शिष्य हैं, उनको प्रसाद खिलाए और आप जले पर नमक छिड़क रहे हो कि हमें भी भूख लगी है। मैया द्रौपदी से कहा बहना तो इतना डर क्यों रही है? मैं क्या पता तुम्हारी मदद करने आया हूं। बोले कैसी मदद? बोले जाओ अंदर से कुछ लेकर के आओ, जिसमें प्रसादी बनी हो वो पात्र लेकर के आओ। मैया द्रौपदी लेकर के गए। अब पूरे पात्र को ठाकुर जी ने अपनी दृष्टि घुमाई और जब देखा तो उस पात्र में एक तिनका लगा हुआ था, कण कण लगा हुआ था अन्न का। जैसे ठाकुर जी ने उस कण को लिया और ग्रहण किया और ठाकुर जी ने कहा कि इस चराचर संसार में, क्योंकि हमारे ठाकुर जी वही विराट हो जाते हैं, वही सूक्ष्म हो जाते हैं, भगवान ने कहा इस चराचर संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी का पेट भर जाए, इस कण से ही उन सभी की तृप्ति हो जाए, उनको भूख ना लगे, उनका पेट भर जाए। जैसे भगवान ने कहा तो जो महात्मा जी बैठे हुए थे, सारे शिष्य बैठे हुए थे, आना था उनको भोजन करने, अब शिष्य कहने लगे बाबा महाराज इच्छा नहीं है, स्नान तो भले हो गए लेकिन अब भोजन करने की इच्छा ही नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि बहुत पेट भरा है, अगर खाए तो बमन हो जाए, इसलिए बाबा इच्छा नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने कहा इच्छा तो हमारी भी नहीं है, पता नहीं कौन सा जादू क्या हो गया, एकदम से डकार पर डकार आ रही है, लेकिन कहा आपने कहा है इंतजार कर रहे होंगे पांडव, चलो चल करके दर्शन कर आए, दर्शन ही दे दें, आशीर्वाद दे दें। बोले हाँ हाँ चलो। अब जैसे ही गए ठाकुर जी का दर्शन किया और पांडवों से कहा अरे पांडवों तुम हमेशा प्रसन्न रहो, तुम्हारी विजय हो, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है, अभी प्रसाद ग्रहण नहीं करना। ऐसे संत महाराज तो बोले सरल क्या है? और बोले जो सरल होते हैं उन्हीं से जगत का हित होता है। आप कह रहे हो कि संत सरल चित्त जगत हित, बोले इस सरल क्या है, इसकी डेफिनेशन बताइए, इसको परिभाषित कीजिए, इस सरल क्या है? तो वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संत वास्तव में सरल होते हैं। तो बोले सरल, बोले सरल में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, सा से सीता जी, रा से राम जी और ला से लक्ष्मण जी, जिनके हृदय में श्री सीता राम लक्ष्मण होते हैं वही संत सरल होते हैं और उन्हीं संतों के द्वारा जगत का हित होता है। तो ऐसे संतों के सानिध्य में हम और आप बैठे हैं और इन्हीं सत्संग का फल महाराज यही है कि संतों का दर्शन हो रहा है। महाराज जब भगवान श्री राम का दर्शन किया भरद्वाज ऋषि ने तो कहा प्रभु आज तक जितनी पूजा की है, जितनी साधना की है, उस सभी साधन का फल आज मिला है कि भगवान का दर्शन हो रहा है। लेकिन जब वहां श्री भरत जी महाराज का आगमन हुआ और जब भरत जी का दर्शन किया तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि आज मुझे पता चल गया कि भगवान के दर्शन का फल क्या है। लोग कहते हैं कि मैंने इतनी पूजा की है, मैंने इतनी वंदना की है, मैंने इतनी कथाएं सुनी है, मैंने इतना जप किया है, उसका फल क्या है? भरद्वाज ऋषि खुद कहते हैं कि मैंने भगवान श्री राम का दर्शन जो किया उसका फल ये है कि आज मेरे आश्रम में भरत जैसा महात्मा आ गया, भरत जैसा साधु आ गया, क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन का फल भी श्री भरत जी महाराज का दर्शन, श्री संत भगवान का दर्शन। आइए हम और आप अब समय को देखते हुए, अब फिर कभी जब भगवान की कृपा होगी तो ठाकुर जी की कथा होगी और इस समय हम अभी सभी माताओं को बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए दो बार भगवान का पावन नाम। आप सभी भक्तों से मिलकर के बड़ा आनंद आता है क्योंकि इतने प्यारे भक्त हैं, तो दो बार पावन भगवान का नाम।
बोलिए सियावर राम चंद्र भगवान की जय। हमारे संचालक जी महाराज कह रहे हैं कि 15 मिनट और पहले से ही आप कहते कि बेटी इतना समय तो पहले पूरा कट कर देते और फिर कहते कि चलो कोई बात नहीं आइए। भगवान श्री राम की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान श्री राम ने जब कीधराज जटायु का सुंदर उसको भक्ति प्रदान कर भगवान अपने धाम में गीधराज जी को भेजा, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब कहाँ चले, बोले चलो यात्रा को आगे बढ़ाओ। किस यात्रा को? बोले जानकी जी की खोज। जब आगे गए तो बड़े सुंदर आश्रम में जाना। कैसा आश्रम? जहाँ गुरुदेव भगवान ने बैठ करके भजन किया, जहाँ गुरुदेव भगवान अपने शिष्यों से कह दे कि बेटा हमेशा भगवान का भजन करना, ऐसे भजन करते करते तुमको भगवान मिल जाएंगे जो गुरु के वचन को अपने जीवन में मान ले उसको भगवान तुरंत मिल जाते। गुरु भगवान जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जो भगवान श्री गुरुदेव भगवान के चरण की धूली को अपने सिर पर रखते हैं उनको परमात्मा मिल जाते हैं, उनका जगत में वैभव हो जाता है। किससे कहा? माँ सबरी से। माँ सबरी सबर जात में जिसका जन्म हुआ, विवाह की तैयारियां घर पर हो रही थी, माँ से कहा माँ एक दिन सबका जन्म होगा, सब बड़े होंगे फिर मृत्यु होगी, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार चक्र में हमें पड़ना नहीं है, इससे हमें मुक्ति पानी है। मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले मुक्ति तो तभी मिलेगी जब गुरु जी मिल जाएंगे। बोले जब गुरु जी मिल जाएंगे तो भगवान भी मिलने में दूर नहीं है। और मैं आपसे एक निवेदन और करूं, अगर आपसे भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, हमारे पास एक रास्ता है। अगर आपसे भगवान रूठ जाए तो आप गुरु जी के द्वार पर जा सकते हैं। हरि रूठ।